अगला है हमारा सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। तो वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो याद रखिए 0.8 सेकंड, 8 सेकंड। अगला है मछलियों में श्वसन हेतु अंग है, तो याद रखिए क्लोम। अगला है वाटसन वाक्य को जीव विज्ञान की किस बहुत खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिए डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। अगला है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो याद रखिए एंटोनी वॉन लुईवेन हॉक ने। अगला है हमारी विज्ञान की शाखा एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए घास का। अगला है हमारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो याद रखिए कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला है हमारा पेडियाटिक्स का संबंध होता है तो बच्चों के रोगों से। अगला है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से। अगला है हमारा हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता। अगला है हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? तो याद रखिए ये भी आपेक्षिक घनत्व है। अगला है हमारा रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज। अगला है हमारा किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो याद रखिए पायराइट को। अगला हमारा एंटी पायरेटिक दवा ली जाती है तो बुखार कम करने के लिए। अगला हमारा फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो याद रखिए सोडियम थायोसल्फेट। अगला है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो याद रखिए यूरोकॉम के कारण। अगला है हमारा हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो याद रखिए अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। अगला है हमारा नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो याद रखिए कॉर्निया का। अगला है हमारा पिलाग्या रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखिए नियासीन की कमी के कारण। अगला है हमारा चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो याद रखिए प्रकाश का विकिरण। अगला है हमारा खसरा होने का क्या कारण है? तो वायरस। अगला है सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो याद रखिए 24%। अगला है हमारा नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिए कारुथर्स 1937। अगला है रोटाइल किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिए टिटेनियम। अगला है लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है? तो याद रखिए लिथार्ज। अगला है हमारा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कोलाबा महाराष्ट्र में। अगला है स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो याद रखिए व्हेल में। अगला है हमारा रेडियो एक्टिविटी की इकाई है? तो याद रखिए वैक्यूल रेल। अगला है ध्वनि से संबंधित विज्ञान है? तो याद रखिए इकोस्टिक। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या है? तो याद रखिए 0.51 MeV। अगला है प्रदीप्ति घनत्व का मात्रा क्या है? तो याद रखिए लक्स। अगला है बादल का हवा में तैरने का क्या कारण है? तो याद रखिए वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। अगला हमारा जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो याद रखिए ए आई। अगला है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिए Fc Banting ने। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए स्कर्वी अम्ल। अगला है हमारा सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र है? तो याद रखिए Ca फिर कोष्टक H2PbO4 कोष्टक बंद 2। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर। एपिलेप्सी रोग का संबंध है? तो याद रखिए नाड़ी संस्थान से। अगला है हमारा डॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है? तो याद रखिए आर्जीमोन। अगला है हमारा हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। अगला है हमारा किस उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो याद रखिए सोनार। अगला है हमारा मूत्र में एलुमीन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो याद रखिए विक या किडनी। अगला है मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो याद रखिए गैसों का दाब। अगला है हमारा पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो याद रखिए विटामिन B6 का।
अगला है हमारा मैनोमीटर से क्या नापते हैं, तो याद रखिए गैसों का ताप। अगला है हमारा चार अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाता जाएगा, तो 1/6 भाग, 1/16 भाग। अगला है हमारा शुष्क छिपाक का कारण क्या है, विटामिन ए की कमी। अगला हमारा सोडियम के किसी यौगिक को वाटर गिलास कहा जाता है, तो याद रखिए सोडियम सेलिकेट को। अगला हमारा चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है, तो याद रखिए अनुचुंबकीय। अगला हमारे एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक जेड है, इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा, तो याद रखिए Z+1। अगला हमारा रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की, तो याद रखिए प्रोटॉन की। अगला है रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है, तो याद रखिए हीमोफीलिया। अगला है डीएनए उपस्थित रहता है, तो याद रखिए केंद्रक में। अगला हमारा आनुवंशिकी की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी, तो याद रखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला है एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो याद रखिए 931 MeV। अगला है पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है, तो याद रखिए अवतल लेंस की तरह। अगला इलेक्ट्रॉन बोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखिए ऊर्जा का। अगला है साबुन के बुलबुले में विकास की घटना का के कारण रंग दिखाई देता है, याद रखिए व्यतिकरण के कारण। अगला है हमारा गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला है हमारा डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिए है हमारे अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अगला है किसी तारे का रंग किसका परिचायक है, तो तारे के ताप का। अगला है हमारा भारी जल होता है, तो याद रखिए ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O। अगला है हमारा अर्जेंटाइन टाइट किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिए चांदी का। अगला है हमारा दूध का pH मान होता है, तो याद रखिए 6.6। अगला है मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और तथा कहाँ इकट्ठा होता है, तो याद रखिए पित्त यकृत में बनता है और गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है, तो याद रखिए स्टेपीडस। अगला हमारा हेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ऊतकों का। अगला है न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखिए त्वरण का। अगला हमारा आयोडीन टिंक्चर क्या है, तो याद रखिए आयोडीन का एल्कोहली विलयन। अगला रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस मंडल से परावर्तित होती हैं, तो याद रखिए आयरन मंडल। अगला है हमारा टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है, तो याद रखिए क्रोमोप्लास्ट के कारण। अगला है पारिस्थितिकी की संबंधित है, तो याद रखिए जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से। अगला है हमारा भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई, तो याद रखिए जून 1972। अगला है हमारा सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया, तो सन 1942 में। अगला है आई राइट क्या है, तो याद रखिए विकलांगों का कंप्यूटर। अगला है पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है, तो याद रखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है हमारा इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, तो याद रखिए अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है पुष्प में पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उन्हें पाया जाता है, तो याद रखिए एंथोसाइनिन। अगला है सेब के खाने योग्य भाग है, तो याद रखिए रसदार थैलामस। अगला है मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है, तो याद रखिए 72 बार। अगला है स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं, तो याद रखिए उत्प्रेरक। अगला है हमारा फॉरेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है, तो याद रखिए 212 डिग्री फॉरेनहाइट। अगला है समान परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं, तो याद रखिए समस्थानिक। अगला है हमारा
इंसुलिन की खोज की थी तो याद रखे एफ जी वेंटिंग ने। अगला है हमारा बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया, तो याद रखे पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखे 28 फरवरी को। अगला है हमारा राइबोफ्लाविन है, तो याद रखिए विटामिन B2। अगला है हमारा मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है, तो याद रखिए फार्मिक अम्ल के कारण। अगला है संवेग कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश, तो याद रखिए सदिश। अगला हमारा हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो याद रखिए आयरन ऑक्साइड का, आयरन का। अगला है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो याद रखिए नाभिकीय संलयन। अगला है भू प्रपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, तो याद रखिए ऑक्सीजन। अगला है हमारा ध्वनि वेग अनुमान तक कितना होता है, तो याद रखिए 330 मिली सेकंड प्रति सेकंड। अगला है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है हमारा सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1930 में रमन प्रभाव के लिए। अगला है हमारा कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसकी बनाई जाती हैं, तो याद रखिए सिलिकॉन। अगला है मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो याद रखिए फीमर। अगला है हमारा ब्लू बेटॉल के नाम से किसे जाना जाता है, तो कॉपर सल्फेट को। अगला है हमारा पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो याद रखिए तना से। अगला है हमारा होलोग्राफी किसकी तकनीक है, तो याद रखिए वस्तु के त्रिविमीय पिति रूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति वृत्ति करने की। अगला है इंसुलिन की खोज की, तो यह है एफ जी वेंटिंग ने। अगला है हड्डियों में फॉस्फोरस फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है, तो याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। अगला है मैनोमीटर से क्या नापा जाता है, तो गैस का दाब। अगला है हमारा टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है, तो याद रखे स्ट्रेप्टोकोकस रेमोसस से। अगला है ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है हमारा कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की, तो याद रखे आर.ए. मिलिकन ने। अगला है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो याद रखिए ओम। अगला है पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो याद रखिए 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला है जर्मन सिल्वर में कौन से घट संघटक होते हैं, तो याद रखिए तांबा निकिल जिंक। अगला है चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो याद रखिए आइसोक्लिनिक रेखा। अगला है पक्षियों की पूंछ में उनकी किस काम आती है, तो याद रखिए हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला हमारा कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं कोशिका का, तो याद रखिए माइटोकांड्रिया। अगला है हमारा घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का उपयोग किया करते हैं, लाइव न्यूट्रल अर्थ, तो इसी क्रम में तारों का रंग होता है, तो याद रखिए लाल काला और हरा। अगला हमारा ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित प्रतीत क्यों होता है, तो याद रखिए पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण। अगला है हमारा तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है, तो याद रखिए हाइड्रोजन व हीलियम। अगला हमारा कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सौर बैटरी। अगला है हमारा आकाश सबसे चमकीला सितारा है, तो याद रखिए साइरस। अगला है ऑक्सीजन की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, तो लाभ या हानि, तो हानि। अगला है नोबेल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती, तो याद रखिए क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है पानी में साबुन घुलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिए पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला है पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिए स्ट्रॉन्शियम की कमी की उपस्थिति के कारण। अगला है फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, तो एथिलीन का। अगला है फलों का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिए पोमोलॉजी। अगला है रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, तो याद रखिए सोडियम नाइट्रेट या डेक्सट्रेट के साथ। अगला है हमारा फिकास में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है, तो याद रखिए फिकास की तरंग तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला एक विकास वर्ष होता है, तो याद रखिए 9.5
चार छः इन गुणे 10 की पावर 12। अगला है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपो विलयन का नाम क्या है? तो याद रखिए सोडियम थायोसल्फेट। होकुम का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो याद रखिए भौतिक विज्ञान से। अगला है, डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिए ध्वनि तथा विकास से। अगला है हमारा, मेंडल का नियम किससे संबंधित है? अनुवांशिकता से। अगला है, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो याद रखिए गैल्वेनाइजेशन। अगला है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है? तो याद रखिए डायनेमो। अगला है हमारा, सूक्ष्म कणों को किस द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? तो याद रखिए व्राउ नियम मूवमेंट। अगला है, विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। अगला है हमारा, क्रिस्टोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो याद रखिए पौधों के बढ़ने की दर। अगला है हमारा, प्रोटीन किन से मिलकर बनता है? तो याद रखिए अमीनो अम्ल से। अगला है, विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है? तो याद रखिए अम्लीय। अगला है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो याद रखिए क्षणिक आवेग। अगला है, शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो याद रखिए अमीटर में। अगला है हमारा, रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो याद रखिए सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ। अगला है हमारा, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ब्लू बेटोल के नाम से। हम अगला है हमारा, कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या था? तो याद रखिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। अगला है, गैसों का विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिए ग्रहण ने। अगला है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है? तो याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है, 1 ms × √2 किसकी स्क्वायर टू मतलब कितनी धारा के बराबर होता है? तो धारा के अधिकतम मान के बराबर। अगला है, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो याद रखिए 273 केल्विन। अगला है, भारतीय मूल का जीव वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखिए पेपू क्रेस्टस क्रेस्टेटस। अगला है, शरीर में रक्तालपा की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया। अगला है, लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था? तो याद रखिए बेंजामिन फैकलिन। अगला है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट तापमान का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो याद रखिए 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है, प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो याद रखिए सेल्यूलोज। अगला है हमारा, विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? एक फैराडे। अगला है, पृथ्वी की आयु किस विधि से क्या करते हैं? तो याद रखिए यूरेनियम डेटिंग विधि से। अगला है, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका उपयोग किया गया था? तो याद रखिए प्लूटोनियम। अगला है हमारा, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ है कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है? तो याद रखिए हर्षे एवं चेज। अगला है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल। अगला है, हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो याद रखिए लोहा। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो स्कर्वी अम्ल। अगला है, कौन सा पदार्थ कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रथम संश्लेषित किया गया? तो यूरिया। अगला है, रोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो याद रखिए UPDB। अगला है, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं? तो समस्थानिक। अगला है, क्योराटो मलेशिया या जीरो थेलीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिए विटामिन ए की कमी से। अगला है, टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद रखिए लाइकोपीन। अगला है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो याद रखिए हेलोजन परिवार के। अगला है, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो याद रखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड में। अगला है, संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल अवस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावण तैयार करता है? तो एड्रेनल। अगला हमारा, मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग हैं? तो मैक्सिकिला और मैंडी वाल बल।
है परमाणु भट्टी में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिए मंदक के रूप में। अगला है हमारा, गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो याद रखिए हीलियम ऑक्सीजन का। अगला है जूल सेकंड किसका मात्रक है? याद रखिए शक्ति पावर का। अगला है फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो याद रखिए दिशा। अगला है फोबोस एवं डायोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो याद रखिए मंगल के। अगला है हमारा, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो याद रखिए आसवन द्वारा। अगला है गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिए वल्कनीकरण। अगला है हमारा, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो याद रखिए बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। अगला, रेडियो एक्टिविटा में बीटा किरणें होती हैं? तो याद रखिए रेडियोवांशित। अगला है हमारा, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है? तो याद रखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड राइड अम्ल का।